बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम। काबले तकरीम नौ मुंतखब अराकीन सोलहवीं कौमी असेंबली पाकिस्तान, इस मजज़ तरीन ईवान के 22वें स्पीकर की हैसियत से मेरे लिए इंतहाई इज्जत और शर्फ का मुकाम है कि मैं 25 करोड़ पाकिस्तानियों के मुंतखब जमहूरी नुमाइंदों को पाकिस्तान की पार्लिमानी तारीख के एक नए संग मील पर खुश आमदेद कहूँ। बतौर स्पीकर मेरी ज़िंदगी का एक तारीखी मौका वो भी था जब आप सब से बहसियत रुकन कौमी असम्बली मैंने हल्फ लिया और यूँ ये इज्तमाही जिम्मेदारी आपको बाकायदा तौर पर तफवीज़ हुई कि इस ममलकत खुदादाद की तामीर और तरक्की के लिए अपना वो किरदार पूरी दयानतदारी इखलास से नीयत और खुश असलूबी से अदा करें जिसके लिए अवाम ने आपको मुंतखब करके यहाँ भेजा है। मुअज़्ज़ज़ की अराकीन असेंबली 11 अगस्त 1947 को पाकिस्तान की पहली मजलसे कानून साज से खताब करते हुए बाबाए कौम कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने इस ईवान को मुकम्मल इख्तियारात का मालिक और मुक्तदर तरीन इदारा करार दिया था। सो इस मामले में कोई दो राय नहीं कि अवाम की ताकत का सरचश्मा ये ईवान है जिसकी वसातत से अवाम परवरदिगार आलम की हाकमियत आला को बतौर अमानत अपने मुंतखब नुमाइंदों के जरिए ही बरूए कार लाते हैं। सो जहां ये मकाम व मंजिलत आप सबका मुश्तरका एजाज है, वहीं ये आप सबकी इज्तमाई जिम्मेदारी भी है कि वतन अजीज को दरपेश मसाइल का हल बाहमी मशावरत और तआवुन से तलाश करें। याद रखिए ये ईवान अवामियान ने पाकिस्तान की आला तरीन दानिशगाह है और अहले पाकिस्तान की निगाहें आपकी जानब मरकूज हैं। सो आपके इत्तेहाद व ईमान की अलामत इख्तलाफ राय एहतराम राय से अबारत है। सो आपका हर तर्ज अमल मुल्क व मिल्लत के मफाद में होना चाहिए, तकसीम और तकजीब के लिए नहीं। मेरी मुख्तसर स्पीकरशिप में मेरी हत्तल मकदूर कोशिश रही है कि मेरा दफ्तर आपकी मावनत के लिए हम वक्त दस्तयाब हो। इस दौर में पार्लिमान की 75 साल तकरीबात का इनाकाद करके हमने इस मोहतरम ईवान के दरवाजे अहले पाकिस्तान के सबसे पिसे हुए तबकात के लिए खोले और नतीजतन इन्हीं नशिस्तों से कौम के बच्चों, ख्वातीन, अकलियतों, हत्ता के ख्वाजा सरा ने भी अपनी आवाज अहले इक्तदार तक बराह रास्त पहुंचाई। इसी राह पर चलते हुए इस मुअज़्ज़ज़ ईवान ने आईने पाकिस्तान की 50 साल तकरीबात का इनाकाद भी किया जिसकी बेहद पजीराई भी हुई। मेरे लिए ये इंतहाई एजाज की बात है कि मेरे अहद स्पीकरशिप में पार्लिमान की मुश्तरिका कमेटी की सिफारिश पर अमल करते हुए कौमी असम्बली पाकिस्तान ने 50 साल बाद आईने पाकिस्तान के शायान शान एक पुरवकार और पुरशको यादगार की तामीर का फरीजा भी सर अंजाम दिया जिसका गुज़िश्ता दिनों इफ्तिताह कर दिया गया। शाहराए दस्तूर पर यह इस्तादा यादगार दस्तूर और उससे मुलक्का बागे दस्तूर जहां इस शहर के हुसन को दवाम बख्शेगा, वहीं कौम को हम वक्त इस एहसास तबाखर से भी मामूर रखेगा कि वो सब बिला तकसीस मुमलकत के बराबर के शहरी हैं जो इन्हें वो 24 बुनियादी हकूक फराहम करता है जो यादगार दस्तूर की दीवार पर कुनंदा है, गोया नविश्ता दीवार है और पत्थर पर लकीर है। आइन की ये यादगार आप सबको हर सुबह इस ईवान की जानब आते हुए ये याद दिलाएगी कि आइन की सरबलंदी की जिम्मेदारी आपकी है। इस मुकद्दस दस्तावेज के महाफिज आप हैं और इन बुनियादी हकूक के तहफ्फुज के लिए कौम ने आपको जामन मुकर्रर किया है। मुझे ये कहने में कोई बाक नहीं कि हम ये फर्ज कभी अंजाम
न दे सकते अगर मुझे तमाम पार्लिमानी सियासी क़यादत का तावन हासिल ना होता। सो मैं जहां अपने साहब बसीरत कायद आसिफ अली जरदारी और जवां साल चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझ पर एतमाद करके जलीलुल कदर ओहदे के लिए मुझे नामजद किया। वहीं मैं सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग जनाब शहबाज शरीफ साहब, उनके कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और दीगर तमाम पार्लिमानी और सियासी क़यादत का भी बेहद मशकूर हूँ कि मेरे फ़राइज़ की अंजाम दही में मुझे आप सबका तावन और सरपरस्ती हासिल रही। मैं कौमी असम्बली के तमाम सेक्रेटेरिएट का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिसने अपने काबिल तरीन सेक्रेटरी जनरल और दीगर मुस्ताद अफसरान के हमरा मुझे हर मुमकिन सहूलत और मुआवनत फराहम की। इंतहाई हसास और नाजुक मौके पर इन अफसरान ने जिस पेशावराना जिम्मेदारी और तमाम सियासी मसलतों से बालातर होकर अपना किरदार अदा किया, ये उसी का सिला है कि बिना किसी रुकावट के पाकिस्तान का जमहूरी पार्लिमानी सफर जारी और सारी रहा। जनाब सरदार अयाज सादिक साहब का इंतखाब इस मुअज्ज़ज़ ईवान ने हमारे नए स्पीकर के तौर पर भारी अक्सरियत से कर लिया है। ये जहां उनकी कायदाना सलाहितों पर इस मुअज्जज़ ईवान के एतमाद का मजहर है, वहीं हम सब की इन मुश्तरका तवक्कोआत का इजहार भी है कि आप उसी मतानत इखलासमंदी और शफकत से इस ईवान के कस्टोडियन का फरीजा सर अंजाम देंगे जो आपकी मोहतरम शख्सियत का खासा है। मेरी दुआ है कि इस आपका अहदे स्पीकरशिप इस ईवान के लिए नेक फॉल साबित हो। आपकी क्यादत में हम आला पार्लिमानी रवायात के नए संग मील तय करें। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि 23 माह पहले मुझे हल्फ आपने दिलाकर ये गाउन पहनाया था, आज आपका कर्ज मैं उतार रहा हूँ। परवरदिगार आलम आप सब का हामी और नासिर हो और पाकिस्तान आप सब की बसीरत व क़यादत में कामयाब हो, कामरान हो। आप सब का अजहद शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।